हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं लेफ्ट ओवर आटे से एक स्पेशल रेसिपी जो कि है कटोरी चाट। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक बाउल में 1 टेबलस्पून घी लिया है और अभी मैं इसमें 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करना है, एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। तो आप देख लो, ये मैंने स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। अब इसमें हम जो गूंथा हुआ आटा था वो इसमें ऐड कर रहे हो और अच्छे से मसल लूँगी ताकि जो हमारा पेस्ट है वो अच्छे से लगे और ये आटा भी रेडी है। तो अब हमें इसको एकदम पतला बेलना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे पतला होना चाहिए। तो ये रोटी बेल के रेडी है। आप देख रहे होंगे कि ये काफ़ी पतली मैंने बेली हुई है। अब इसकी हम छोटी छोटी पूरियां कट कर लेंगे। तो पूरियां भी कट हो चुकी है और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम निकाल लेंगे। तो ये पूरियां हमारी कट हो गई है, देख लीजिए, ये इतनी पतली होनी चाहिए। ये पूरियां जितनी पतली होंगी उतनी क्रिस्पी होंगी, तो इसलिए हमें अच्छे से पतला बेलना है। इसके बाद मैं फोक से इसको होल कर रही हूँ ताकि ये जब हम फ्राई करेंगे तो ये फूलना नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसमें होल कर रही हूँ फोक से। अब मैंने एक स्पून लिया है जो थोड़ा सा कटोरी वाला है, उस पर मैंने अभी ये पूरी को रखा है और छोटे वाले स्पून से इसको शेप दे रही हूँ कटोरी जैसे। और अभी इसको हमें तेल में तलना है। जब हम इसको तलेंगे तो फ्लेम कम होना चाहिए और जब ये अच्छे से पक जाएगा तो अपने आप ये स्पून से निकल आएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये निकल रहा है धीरे धीरे करके, और इसको अच्छे से खस्ता होने तक हम पका लेंगे। तो एक कटोरी तल के रेडी है, वैसे ही अब हम और कुछ डाल के तल लेंगे। तो मैंने ये बाकी की जो कटोरी थी वो तेल में डाल दी है और अभी इसको खस्ता होने के बाद मैं इसको निकाल रही हूँ। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी हुई है। तो ये काफ़ी खस्ता बनी हुई है और ये अपने गेहूं के आटे से बनी हुई कटोरी है। अब आपको मैदे से बनाने की ज़रूरत नहीं है। कटोरी बनने के बाद इसमें मैंने आलू का मसाला डाला, फिर दही, हरी चटनी और इमली की चटनी डाली है, उसके बाद थोड़ी सी सेव और ऑनियन डाला हुआ है चॉप किया हुआ। इसके बाद मैं ऊपर से डाल रही हूँ पोमोग्रेनेट और हरिया धनिया डाल के ये हमारी डिश रेडी है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।